बड़ी खबर आई गाजा में चल रही भयंकर जंग से जुड़ी। इसराइल पर बढ़ते सीज फायर के दबाव के बीच गाजा में जंग तेज हो गई। इसराइल ने उत्तरी और दक्षिणी गाजा दोनों जगह पूरी ताकत से लड़ना शुरू कर दिया, जबकि इसराइल के सैनिकों के हाथों तीन इसराइली शरणार्थियों की मौत के बाद उस पर दबाव बढ़ गया। इसराइल से तुरंत जंग रोकने की मांग की गई, लेकिन इसराइल ने इस दबाव के जवाब में गाजा में जंग तेज कर दी और उत्तरी और दक्षिणी गाजा में पूरे दम से लड़ने लगा। इसराइल ने दुनिया को बता दिया कि वो किसी दबाव में नहीं आएगा, और ये बात साबित करने के लिए इसराइल ने गाजा में जंग का एक और वीडियो जारी कर दिया। ये वीडियो देखकर लगने लगा कि गाजा में इसराइल के सैनिक नहीं रुकने वाले, क्योंकि वो टारगेट पहचान कर हमास लड़ाकों का एनकाउंटर कर रहे हैं। वीडियो में नजर आया कि इसराइल ने एक खास इलाके में ऑपरेशन किया। उसके सैनिक खतरे को सूंघते हुए आगे बढ़े और जैसे ही उन्हें दुश्मन के नजदीक आने की भनक लगी, फायरिंग शुरू हो गई। इसराइल के सैनिकों ने एक मकान को टारगेट किया और अंदर घुसने से पहले दरवाजे पर गोली चलाकर चेक किया कि अंदर कितना बड़ा खतरा है। जबरदस्त फायरिंग के बाद इसराइल के सैनिक अंदर दाखिल हुए और फिर इतनी जबरदस्त मुठभेड़ हुई कि पूरा इलाका धमाके और गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। ये भयंकर मुठभेड़ ऐसे समय में हुई जब इसराइल पर जंग रोकने का दबाव बन रहा है, लेकिन इसराइल ने जंग रोकी नहीं, उल्टा तेज कर दी। वो अब हमास लड़ाकों से आमने सामने की लड़ाई लड़ रहा है। ये वीडियो इसी का सबूत है, क्योंकि वीडियो में साफ साफ नजर आया कि मकान में घुसते ही इसराइल के सैनिकों को पता चल गया कि हमास लड़ाके कहाँ छिपे हैं, और इसीलिए वो उन्हें देखते ही पीछे की ओर भागे। लेकिन भागते भागते उन्होंने उस कमरे में बम फेंक दिया जहां उन्होंने हमास लड़ाके को देखा था। इस मकान में इसराइल के सैनिकों ने एक के बाद एक कई बम फोड़े। पहली मंजिल पर अपना काम करने के बाद ये सैनिक सीढ़ियों से ऊपर की तरफ बढ़े और हमास लड़ाकों की तलाश की। इस काम में इसराइल के सैनिकों ने ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने जिस इमारत में ऑपरेशन किया वहीं की एक खिड़की से ड्रोन छोड़ दिया, और ये ड्रोन जैसे ही वहां से निकला, इसराइल के सैनिक दबे पांव से उसके पीछे पीछे आगे बढ़ने लगे। यानी ऊपर से ड्रोन ने इसराइल के सैनिकों को दिशा दिखाई और नीचे इसराइल के सैनिकों ने अपने कदम बढ़ाए और दबे पांव से टारगेट की ओर बढ़ने लगे। बीच बीच में ये गोलियां भी चलाते रहे। ड्रोन का पीछा करते करते ये सैनिक अपने लक्ष्य तक पहुंच गए और फिर शुरू हुई ऐसी मुठभेड़ कि केवल गोलियों और धमाकों की आवाज ही सुनाई दी। आर पार की इस लड़ाई में दूसरी तरफ से भी जबरदस्त जवाब दिया गया, क्योंकि वीडियो में नजर आया कि इसराइल के सैनिक एक इमारत से निशाना साध रहे थे और दूसरी तरफ से भी गोलियां चल रही थी। इसराइल ने पूरे गाजा में ऐसी ही भयंकर लड़ाई छेड़ रखी है, जबकि गाजा में घुसने से पहले इसराइल की सेना ने कहा था कि वो केवल उत्तरी गाजा में जंग लड़ेगा, लेकिन हमास के लादेन की तलाश ने इसराइल की सेना को उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा पहुंचा दिया। और जंग के शुरुआती दौर में इसराइल के हमलों से सुरक्षित लग रहे दक्षिणी गाजा में हाहाकार मच गया। खान यूनिस इलाके की तो सूरत ही बदसूरत हो गई, क्योंकि वहां जबरदस्त लड़ाई चल रही है। इसका एक और वीडियो इसराइल ने फिर जारी किया। ये वीडियो एक ऐसी इमारत का है जहां जमीन के ऊपर ही नहीं, जमीन के नीचे भी हमास का ठिकाना है, या यूं कहें कि जमीन के ऊपर ईंटों का मकान है और नीचे सुरंग, और इसराइल के सैनिकों ने सुरंग का एंट्री पॉइंट ढूंढ निकाला और बंदूक की नोक उस ओर कर दी। इससे पहले उन्होंने मकान के अंदर खूब गोलियां चलाई। इसराइल के सैनिक छिपते छिपाते खंडहर में बदल चुकी इस इमारत तक पहुंचे और अंदर घुसने से पहले गोलाबारी की। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस इलाके में इसराइल हमास लड़ाकों का एनकाउंटर कर रहा है, क्योंकि उसका कहना है कि हमास लड़ाके टनल में छिपे हैं और वो उन्हें वहां से निकालकर मौत के घाट उतार रहे हैं। इस काम में इसराइल, यहां लोम और गोलानी ब्रिगेड जुटी है। इसके अलावा इसराइल की कई और टुकड़ियां हमास लड़ाकों का एनकाउंटर कर रही हैं और हमास लड़ाकों के साथ साथ उनके ठिकानों को भी उड़ा रही है।
मुठभेड़ के इस वीडियो में भी यही नजर आया, क्योंकि दिन भर की गोलीबारी और बमबारी के बाद रात में इस इमारत को धमाके से उड़ा दिया गया और ये स्वाहा हो गई। लेकिन इससे पहले इसराइल के सैनिकों को हमास से तगड़ी टक्कर मिली, क्योंकि अगर इधर से गोलियां चली तो उधर से भी गोलियों का जवाब आया। खान यूनिस इलाके में हुई ये मुठभेड़ लंबी चली, इतनी लंबी कि लड़ते लड़ते शाम हो गई और आखिरकार इसराइल के सैनिकों ने इस इमारत को जलाकर स्वाहा कर डाला।